29 मार्च 2023, ये वो तारीख है जब मालवी थाना में एक बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हो गई है। रिपोर्ट में लिखा था कि बेटी दोपहर 4 बजे से स्कूल से घर आई थी, कपड़े बदलकर ताऊजी के पास जाने की बात कहकर निकली थी, तब से वापस नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश शुरू की और 1 अप्रैल को पीड़िता का शव एक खंडर में बोरे में पड़ा मिला। उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। घटना के दिन आरोपी घर में अकेला था, उसके माता पिता घर पर नहीं थे। वो खिड़की में बैठकर मोबाइल में पॉर्न मूवी देख रहा था। उसने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को घर में बुलाया और उसके साथ रेप किया। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और इसी दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची के 10 टुकड़े किए और माता पिता की मदद से शव को घर के करीब 200 मीटर दूर एक खंडर में फेंक दिया। ये वो घटना थी जो आज से 1.5 साल पहले घटी। अब आपको बताते हैं कि उदयपुर के मालवी में करीब 1.5 साल पहले हुए इस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और उसके माता पिता को 4 साल की सजा सुनाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दरअसल इस फैसले में पॉक्सो कोर्ट के जज संजय भटनागर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने फैसले के बीच में ही एक कविता लिखी। इस कविता में महिला अत्याचार और समाज में लड़कियों की स्थिति पर लिखा गया है। तो आइए जज संजय भटनागर की लिखी ये कविता आपको सुनाते हैं। मैं अपने उपवन की नन्ही गली थी, पिठलाती नाचती परी थी, पापा मम्मी की लाडली नाजों से पली थी, पर मैं तो भूल गई कि मैं एक लड़की थी। क्रूर वासना की शिकार बनी मेरी आत्मा चित्कार रही थी। क्या मैं भी इंसान नहीं थी? अपराध बोध हुआ जब मेरे टुकड़े किए। मेरा स्त्री होना ही क्या मैं खुद अपराधी थी? नमस्कार।